गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर लेफ्ट राइट चैप्टर से आज हम कुछ और क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस को रीड करते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन द मैप इज गिवन। मैप में जो सिंबल यूज हो रहे हैं उनका लिस्ट दिया है। लुक केयरफुली एंड राइट, है ना। चलिए सबसे पहले सिंबल को हम देख लेते हैं। तो ये जो सिंबल है इस तरह का, वो हाउस का सिंबल है, ये ट्री का सिंबल है, ये जो इस तरह का सर्कल बने होंगे वो हैंडपम्प है, ये गेट का सिंबल है, और ये वाला बेल बस स्टॉप ये हो गया है। तो बच्चों आपको इन सिंबल को अच्छे से रीड करना है, समझना है। ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, प्लस रेड वाला हॉस्पिटल हो जाएगा, ये स्टॉप का सिंबल है, और ये क्रॉस वाला स्कूल का सिंबल है। तो ये सिंबल रीड करते हुए आपको क्या करना है, इस मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये आपने इस मैप को यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ऑब्जर्व कर लिया आपने, जब आप इसको ऑब्जर्व कर लेंगे अब इसी मैप पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो क्वेश्चंस रीड करना है और उनका आंसर यहाँ से देना है। चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द मैप। ये जो मैप है इसमें कितने हाउस हैं, तो आपको सिंबल से अब देखना है ना। सिंबल आपने देख लिया, हाउस का सिंबल कौन सा है, ये वाला था फर्स्ट वाला, और इसी को अब काउंट करना है कितने सिंबल बने हैं यहाँ पर। तो ये एक 1 2 3 4, तो कितने हाउस हो गए, 4, तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है, हाउ मैनी शॉप्स आर देयर इन द मैप। मैप में शॉप कितनी है ना, शॉप का सिंबल तो ये रहा, तो ये सिंबल देखना है बस हमें, है ना। चलिए मैप में देखते हैं कितने बने हैं ये सिंबल। तो यहाँ तो केवल एक ही सिंबल बना है, ये तो ये वाला यहाँ पर शॉप का, तो शॉप कितनी हो जाएगी, 1, तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द मैप। मैप में कितने ट्री हैं, चलिए काउंट करते हैं मैप में, देखिए 1 2 3 4, और एक ऊपर है 5, तो मैप में कितने ट्री हुए, 5, तो आंसर हो गया है ये 5, ठीक है चिल्ड्रन। इस तरह से आपको मैप को रीड करने और आंसर देने बहुत इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पंप्स आर देयर इन द मैप। कितने पंप हैं, है ना। चलिए मैप को देखना है फिर से। तो हमारे पास हैंड पंप जो है वो ये वाला सिंबल, और ये तो एक ही है यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो एक ही है और दूसरा तो नहीं है कहीं भी, तो एक ही है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। कितने पंप है, ओनली 1 पंप आर देयर, ओनली 1 पंप इज देयर इन द मैप, ये आएगा। नेक्स्ट है, इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस। क्या स्कूल पोस्ट ऑफिस के नज़दीक है या हॉस्पिटल के, चलिए देखते हैं मैप में। तो आपको पता है स्कूल का सिंबल कौन सा है ना, ये स्कूल है, और ये हमारा हॉस्पिटल है, और ये बस स्टॉप है ना। तो स्कूल के नज़दीक क्या है इनमें से, है ना। क्वेश्चन था हमारा कि पोस्ट ऑफिस नज़दीक है या हॉस्पिटल नज़दीक है। तो पोस्ट ऑफिस तो ये देखिए, ये है हमारा स्कूल और ये रहा पोस्ट ऑफिस, ये ज़्यादा नज़दीक है, जबकि इस हॉस्पिटल यहाँ पर है, तो ये तो बहुत डिस्टेंस है। तो क्या क्लोज़र हुआ है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। तो आंसर है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ज़्यादा नज़दीक है, आंसर आएगा द स्कूल इज़ क्लोज़र टू द पोस्ट ऑफिस, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नियर द बस स्टॉप। बस स्टॉप के नज़दीक क्या है, चलिए मैप पे चलना पड़ेगा। ये बस स्टॉप का सिंबल है, तो ये बस स्टॉप है, इसके नज़दीक क्या है, ये है नज़दीक इसके, ये क्या चीज़ है, हैंड पंप, ये देखो हैंड पंप का सिंबल है, तो बस स्टॉप के नज़दीक क्या हुआ, हैंड पंप, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आ जाएगा हैंड पंप, यहाँ पर आप हैंड पंप लिखेंगे, यहाँ पर बस स्टॉप के नज़दीक क्या है, हैंड पंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स कुड यू हैव रीड द मैप। बिना लिस्ट ऑफ सिंबल के, लिस्ट अगर आपको सिंबल ना पते हों तो क्या आप मैप को रीड कर सकते हैं,
नहीं, विदाउट सिंबल तो हम रीड ही नहीं कर पाएंगे। हमको जब मालूम ही नहीं होगा ये किस चीज़ का सिंबल है तो पता नहीं चलेगा ना, रीड मैप को रीड नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड द मैप विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल। ठीक है, ये आंसर आपको खुद लिखना है चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए इसके बाद ये कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, इनको रीड करते हैं। सबसे पहले है राइट सेम सिंबल्स हेयर। सिंबल्स लिखने हैं आपको किस तरह के? यू हैव लर्न इन मैथमेटिक्स, जो कि आपने मैथमेटिक्स में सीखे हैं। और मैथमेटिक्स में क्या सीखा है आपने? मैथमेटिक्स में आपने सीखे हैं एडिशन। एडिशन का सिंबल क्या है? ये वाला। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का सिंबल क्या है? ये वाला। तो आप कैसे लिखेंगे? एडिशन स्पेल करके लिखेंगे, है ना? एडिशन का स्पेलिंग तो आती है ए डबल डी आई टी आई ओ एन, एडिशन। ये मैथ्स में सीखते हैं ना एडिशन, आप उसका सिंबल क्या है? ये प्लस। ठीक है ना, इस तरह से प्लस बनाना है। फिर सब्ट्रैक्शन माइनस का सिंबल बनाना है। फिर क्या करा आपने? मल्टीप्लाई सीखा है। मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है? क्रॉस, ये वाला, है ना, मल्टीप्लाई। डिवाइड, डिवाइड का सिंबल ये होता है। इक्वल टू भी तो सीखते हैं, इक्वल टू का सिंबल ये होता है। तो जो भी आपने मैथ्स में सीखे हैं सिंबल वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या दिया है इन्होंने यहाँ पर? शो प्लेसेस विच कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर होम थ्रू सिंबल्स, यू कैन मेक सिंबल्स ऑफ योर चॉइस। अब बच्चों आपको क्या करना है, जहाँ पर आप रहते हैं घर पर वहाँ से मैप बनाना है, जैसे रुचिरा का मैप था अपने स्कूल तक का। ठीक है, और उस स्कूल तक आने में जो भी आपको रास्ते में बिल्डिंग्स मिलती हैं या कुछ सिंबल्स, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, पार्क हो सकता है, वेल हो सकता है, हैंडपम्प, टेम्पल, इस तरह की कुछ खास चीज़ें मिलती हैं वो आपको अपने मैप में दिखानी है। और अगर पार्क है तो पार्क नहीं बनाना है, कोई सिंबल बना देना है। फिर साइड में आपको क्या करना है, इधर यहाँ साइड में वो सिंबल बनाना है। जैसा भी आपने सिंबल बनाया वो किस चीज़ का सिंबल है वो भी लिखना है। जैसे अभी हमने मैप ऑब्जर्व किया था ना स्टार्टिंग में, इस तरह से आपको एक मैप बनाना है अपने घर से लेकर के स्कूल तक का। और रास्ते में जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें उसमें शो करनी है, रोड पे लेफ्ट में या राइट में जैसे भी आपको मिलता है, और सिंबल के द्वारा शो करना है। और फिर लेफ्ट साइड में सिंबल का लिस्ट बना देना, वो सिंबल, और वो सिंबल आपने किस चीज़ का बनाया है वो लिखना है। ठीक है, जिसको मैप हम रीड कर सकें। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।